जय हिंद एवरीवन। तो दोस्तों एक गुड न्यूज ये, पर गुड न्यूज कोई कंफर्म नहीं है लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है। दोस्तों बात यह कि जो एज की छूट के लिए, जो इंडियन आर्मी भर्ती के लिए एज की जो छूट है, तो एक साल का छूट मिलने का बहुत ज्यादा चांस है और हम लोगों को एक साल का छूट मिल सकता है, ये मतलब सुनने में आया है। और दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये कोई कंफर्म नहीं है लेकिन ये बहुत ज्यादा चांस है एक साल का छूट मिल सकता है हम लोगों को। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये छूट उन लोगों को मिल सकता है जिन लोगों की मतलब यारों में भर्ती नहीं आया। जैसे मान लो 2021 में काफी सारा जगह में भर्ती हुआ था, जिस यारों पे भर्ती हो चुका है उनको छूट नहीं मिलेगा, जिस यारों में भर्ती नहीं हुआ 2 साल के अंदर उनको छूट मिलेगा, एक बात ध्यान रखना। तो दोस्तों अभी आप लोग ये बताओगे कि यार इसको खबर कैसे मिल गया है और अभी तो कुछ नहीं हुआ, नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों मैं पहले से बता रहा हूँ, ये कोई कंफर्म नहीं लेकिन ये अंदर में बात चल रहा है और मुझे खबर मिला है, कल रात को मेरे को खबर मिला है। और मैं आप सभी लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि काफी सारे भाई लोग मेरे को कमेंट में डालते हैं और मैसेज भी करते हैं कि हम लोग का लास्ट है या हम लोग तैयारी छोड़ रहे हैं। तो मैं उनको अलर्ट करने के लिए डाल रहा हूँ वीडियो कि आप लोग मतलब तैयारी कभी मत छोड़ना, एक साल का छूट हम लोग को जरूर मिलेगा और 100 में से 90% में बता रहा हूँ हम लोग को छूट मिलेगा। बाकी मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाए। एज की छूट के लिए काफी सारे डिस्कस चल रहा है अंदर में, तो मैं आप लोगों को अलर्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, कभी तैयारी कभी मत छोड़ना। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो लोग तैयारी छोड़ रहे हैं एज के लिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना मेरे दोस्त। जिन अगर आपकी यारों में भर्ती नहीं हुआ 2 साल के अंदर, तो जरूर आपको एज की छूट मिलेगा, क्योंकि चांस बहुत ज्यादा है एज का छूट मिलने का। तो मैं दिल से दुआ करता हूँ कि एज को छूट मिल जाए और आप सभी लोग तैयारी करो, मेहनत करो, या तैयारी कभी मत छोड़ना। और अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद।